नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डेट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। कंपनी काफ़ी पुरानी है, फाउंड हुई है 1995 में। बेसिकली कंपनी एक्टिव नज़र आती है इंजीनियरिंग प्रोसीजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीएस के जो है बिजनेस में, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के असेट जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2021 का डेटा है, 22 का है, 23 का है और सितंबर 2023 का है। अभी देखिए यहाँ पे असेट्स हमें ईयर बाय ईयर काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हमें दिखाई दे रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करते हैं तो ये भी हमें जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोटल बोरोइंग की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी चलिए अब हम चलते हैं एंजल वन के वेब वर्जन में। एंजल वन के वेब वर्जन में हम आ चुके हैं। होम में आने के बाद आईपीओ दिखाई देंगे। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद ओपन एन अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो है हमारा आईपीओ ओपन कर लिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिल रही है 1,40,000 की। एक लॉट में हमें 2000 शेयर्स मिलने वाले हैं। प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 66 से लेके 70 का इसका प्राइस रेंज होने वाला है। इश्यू साइज जो है इसका होने वाला है 28.7 सीआर का। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके डेट्स के बारे में। आईपीओ डेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑफर स्टार्ट हुआ है 19 जनवरी को, ऑफर एंड होने वाला है 23 जनवरी को। अलॉटमेंट हमें इसमें देखने को मिलने वाला है 24 जनवरी को और लिस्टिंग होने वाला है 29 जनवरी को। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25.98 एक्स जो है सब्सक्राइब होते हुए हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। अबाउट कंपनी भी आप यहां पे रीड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड रिस्क भी हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे की साइड में जो है यहां पे कंपनी की रिपोर्ट दी है। आप डिटेल में इन डेप्थ जो है यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, यहां से डाउनलोड करके आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ को तो अप्लाई नाउ पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। यहां पे हमें नंबर ऑफ लॉट्स एंटर करने हैं। मैक्सिमम 3 लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो लाल एक ही रहने देते हैं। और नीचे की साइड में एंटर यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है। जो भी हमारे एंजल वन के डीमैट अकाउंट के साथ में बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसका ही यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहां पे जो है आप अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपका जो है सक्सेसफुली आईपीओ के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी आईपीओ में एंट्री का प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री का प्लान करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।